अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वसीलियूज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, उस्ताद गिरा वसीलियूज़ को बचाना चाहता है, और अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस्ताद गिरा भी यहाँ पर मौजूद हैं और वसीलियूज़ और महमद भी यहाँ पे मौजूद हैं। महमद यहाँ से सोना हासिल करेगा और वसीलियूज़ इसको बदनतीनी के हवाले कर देगा। जब ऐसा होगा, वहाँ पर मंगोल हमला कर देंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर किसी नए शख्स की एंट्री हुई है जो कि करा जुनसा का साथी है, जिससे ये जाहिर होता है कि मंगोलों की और भी फ़ौज आ चुकी है, जिसका पिछले एपिसोड में जिक्र किया गया है। खैर, जब यहाँ पर मंगोल हमला कर देंगे, वसीलियूज़ यहाँ से भाग जाएगा, और जो कुछ भी हमने ट्रेलर में देखा, ये सब उस्ताद गिरा का मंसूबा होगा। उस्ताद गिरा ने यह सब बनाया होगा ताकि वसीलियूज़ को बचा सके। खैर, आने वाली चंद एपिसोड में नए किरदारों की एंट्री होगी, जिसमें मीर चुबान भी शामिल हैं। इसके बारे में खबरें भी आ रही हैं और पिछले एपिसोड में जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा तरहान अलब के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो भी चंद एपिसोड गायब रहेगा, इसके बाद वापस आ जाएगा। शामी अलब की एंट्री हो चुकी है और एक नए सरदार भी एंट्री हो चुकी है। उस्मानवी की ताकत में इजाफ़ा हुआ और मज़ीद ताकत में इजाफ़ा होगा। इसके साथ ही दुश्मन भी बढ़ जाएंगे, पहले से अब ये ज़्यादा होंगे। इन सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।